हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर से नए ब्लॉग में यहाँ। और आपने जो पैसा दिया था दादी माँ की हेल्प के लिए, 18 से 20 लाख उनको हेल्प हो चुकी थी, तो पैसा मेरे पास बचा था थोड़ा सा, 400 से लेकर 500 रुपए के बीच तो आपका पैसा था, वो हमने किसी की हेल्प के लिए डोनेट कर दिया है। कुछ मैंने अपने से मिलाकर और कुछ भाई जी हैं उन्हीं के द्वारा कुछ हेल्प की गई, और टोटल मिलाकर हमने उस एक नीडफुल व्यक्ति की हमने हेल्प कर दी है, और वो भी आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। वीडियो को पूरा देखना और स्क्रीनशॉट भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं। सो गाइस, ये अपडेट होने वाली है रियासी रेलवे स्टेशन के ऊपर, क्योंकि काफ़ी डेवलपमेंट यहाँ पर हुई है और बाहर पटरी डालने का काम शुरू हो चुका है। देखने से लग रहा है कि यहाँ तीन पटरी बिछाई जाएंगी, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है, दो होंगी या तीन। टनल के अंदर तो दो हैं, हो सकता है बाहर भी दो, चलिए वो बाद में देखेंगे। टनल के अंदर की वीडियो भी बाद में दिखाऊंगा। तो काफी बढ़िया लंबी सी अपडेट है, हर एक वीडियो क्लिप देखना, मैं चाहता हूँ कि हर एक क्लिप आप देखें, क्योंकि काफी माइनर डिटेल्स इसमें है। दूसरी बड़ी अपडेट आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, सामने ही आपके सिग्नल पोल जो है वो लग चुके हैं, दो सिग्नल पोल आपके सामने हैं। तो भाई थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, पानी बहुत है यहाँ पर, और तरह की फैसिलिटी बनाई है, फट्टियां लगाकर फैसिलिटी यहाँ, सुविधा चलने के लिए। और बढ़ते हैं जो थोड़े से हम आगे, भाई साहब यहाँ पर प्लेटफॉर्म के लिए देखिए ये बनाया, और इसके साथ ही पीने के पानी की सुविधा है, और प्लेटफॉर्म की दीवार देख रहे हैं, इस साथ वाली प्लेटफॉर्म की दीवार है, और साथ ही साथ बिल्डिंग का काम लगा, वहाँ पर छत डालने का काम चल रहा है, और ये पटरियाँ रखी, ये पुरानी जो आपके काफ़ी अच्छी दिखती है, पहाड़ी की सपोर्ट के लिए बनाई गई जगह है। और यहाँ पर हैं पिलर, आगे वो भी दिखाऊंगा, जो कि प्लेटफॉर्म के ऊपर जो छत बनाई जाती है उसके लिए जो पिलर्स हैं वो भी बनाए गए हैं। पर हमें मिल जाती है मिस सुजुका, ये भाई साहब हमारे पीछे पीछे ही हो रही, जैसे हम इसको काफ़ी देर से जानते हों, जहाँ तक हम गए ये हमारे साथ ही रही, और ये साथ में देख रहे हैं ये मोहतरमा, और इसके साइड लेने में दिक्कत, रोड कंजेस्टेड है, और भाई यहाँ पर साइड में बहुत खतरा, बड़ी मुश्किल से जहाँ हमने पास दिया एक दूसरे को। तो ये जो हेल्प थी, हमने हिमाचल के एक व्यक्ति थे, वो उनकी कंडीशन कुछ ऐसी थी, तो उनकी हमने हेल्प की थी, वो नीडी थे, तो उनकी डिटेल, उनकी वीडियो जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। वैसे भाई साहब, अगर किसी को हेल्प की जरूरत होगी तो मैं आपसे अपील करता रहूँगा, तो आपसे जितना हो सकेगा तो हेल्प कर देना। एंड गाय यहीं से आगे बढ़ते हैं, और ये आप देख रहे हैं पिलर, ये पिलर वो है जहाँ पर प्लेटफॉर्म को उठाकर, जो प्लेटफॉर्म की छत है इसको उठाकर दूसरी तरफ जोड़ा जाएगा। आप जानते हैं रेलवे स्टेशन के ऊपर किस तरह की छत, एक ये साइड है और दूसरी ये साइड, दोनों के ऊपर इस तरह से छत बनाया जाएगा, आप सभी जानते ही हैं। फर्दर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखिए एक व्यक्ति यहाँ प्लेटफॉर्म के ऊपर से पानी निकाल रहा है डब्बे के साथ, काफ़ी पानी यहाँ पर भर रहा है, लेकिन बाद में ये सुविधा बना दी जाएगी, इस पानी को सारा ड्रेन आउट कर दिया जाएगा। और अभी हम बढ़ रहे हैं ब्रिज की तरफ, जिसकी हाइट 105 मीटर है, सबसे बड़े पिलर की, और ये इंडिया में इकलौता ऐसा रेलवे स्टेशन होगा कि जो एक बहुत बड़े पिलर के ऊपर बनाया जा रहा है। और नीचे पिलर की साइड पर की जगह दिखाता हूँ भाई साहब, यहाँ प्रोटेक्शन के लिए काफी तामझाम किया गया है, ये देखिए अभी यहाँ पर आगे काम लगा, बहुत बड़ी दीवार, इसकी अपडेट मैंने आपको दी हुई है पुरानी वीडियो में, उसके आगे भी आप देख सकते हैं किस तरह से ये डब्बे डब्बे बना के इसको पूरा प्रोटेक्ट किया जा रहा है, काफी बहुत बड़ा ये साइड में काम हुआ है, यहाँ से छोटा सा दिख रहा है। तो माइनर से माइनर डिटेल में आपको दिखाना चाहता हूँ, इसलिए वीडियो का पूरा ही देखना, तो हर एक चीज इसमें आप देख सकते हो। और इसी के साथ भाई साहब मोहतरमा हमसे पहले भी आगे पहुंच चुकी हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर, ये कोई पुराना रिश्ता है भाई हमारे साथ इसका, और देखिए साथ ही साथ हो रही है जैसे हमारे घर की हो। और मोहतरमा यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो ये ब्रिज के ऊपर टाइल्स रख दी गई हैं, टाइल्स इस साइड प्लेटफॉर्म के साइड पर बिछाई जाएंगी, और जाली की प्रोटेक्शन पूरे ब्रिज पर कर दी गई है, कोई कोई दरवाज़ा भी इसमें खुला हुआ है, तो जाली से बाहर देखने की कोशिश हम कर रहे थे लेकिन बाहर हम नहीं देख पाए, फिर हमें हिम्मत करके होना पड़ा दूसरी साइड पर। मोहतरमा भी देखिए भाई साहब, और थोड़े से हम आगे बढ़ते हैं, घुमाकर आप देख लीजिए ये पूरा काम इसके ऊपर चल रहा है, और पटरी एक साथ धमाधम बिछाई जा रही है दोनों साइड पर, दो साइड हैं, एक ये तरफ है, यहाँ पर पटरी बिछाई जा रही है, ये देख लीजिए ऊपर ब्लास्टलेस स्लीपर्स बिछाए जाते हैं इन सरियों के ऊपर, उनको एडजस्ट किया जाता है और उनके ऊपर एडजस्ट की जाती है पटरी, और उनको यहाँ पर कैसे लाया जाता है वो आप देख लीजिए, इस तरह क्रेन की मदद से इन स्लीपर्स को उठा के वहाँ ब्रिज तक लिया जाता है, ये बिल्कुल प्लेटफॉर्म के जो रेलवे स्टेशन है उसके साथ टनल नंबर 5 है उसके पास रखे गए हैं, वहाँ से उठाकर क्रेन इनको ले जा रही है सीधे ब्रिज के ऊपर, जहाँ पर इनको एडजस्ट किया जाता है प्रॉपर।
और भाई साहब कुछ इस तरह के बड़े बड़े नट। भाई इस नट का वेट ही 1 से 2 किलोग्राम तक होगा, इतना बड़ा नट ये लगाया गया है। और साइड से कुछ इस तरह का नज़ारा है भाई साहब, बड़ी हिम्मत करके और प्रोडक्शन के साथ मैंने आपको ये व्यू दिखाया। ये ब्रिज के ऊपर से पिलर की ऊंचाई देख लीजिए भाई साहब, यहाँ नीचे देखने में हिम्मत चाहिए। कुछ आगे बढ़ते हैं तो भाई साहब पूरी तरह फिक्स की गई पटरी हमें यहाँ दिख जाती है, ये देख लीजिए। बीच में पटरी के कंक्रीट भी कर दिया और ये साइड की कुछ स्ट्रेच जो है पूरी तरह से कंप्लीट कर दी गई है, और इसी तरह से दूसरी साइड भी कंक्रीट किया जा रहा है। आगे आप यहाँ पर देख रहे हैं और ये हमारी सुजुका वापस आती हुई पटरी बिछाने के बाद इसको पानी की सुविधा चाहिए होती है, पानी की तराई चाहिए होती है, तो उसके लिए इसके ऊपर कुछ मैट बिछाया और उसको गीला करके इसके ऊपर बिछा के ही रखते ताकि अच्छी तरह से ये मजबूती पकड़ सके। तरह से कुछ काम होता है प्लेटफॉर्म के ऊपर, और ये कुछ स्ट्रेच है यहाँ पर पटरी बिछाई जा रही है और बीच में अभी कंक्रीट करना जो है वो बाकी है। और ये 1 मंथ के अंदर आई थिंक ये पूरा प्लेटफॉर्म के ऊपर जो ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर ये पटरी बिछाने का काम पूरा कर दिया जाएगा। और अभी कुछ स्ट्रेच ये बीच में आप देख रहे हैं, अभी सिर्फ सरिये की बाइंडिंग ही यहाँ पर हुई है और यहाँ पर पटरी है उसको एडजस्ट करना बाकी है। और इसी के साथ हम आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, धर्म ब्रिज की तरफ ये हम जा रहे हैं अभी, और सेंटर में काफी स्ट्रेच कम्प्लीट है और दोनों ही एंड पर अभी स्ट्रेचेस इनकम्प्लीट है। और ये कुछ तरह का स्ट्रक्चर है, कुछ मशीन्स शॉकर्स वेव शॉक एब्जॉर्बर्स वगैरह लगे हैं। तो हम धर्म एंड की तरफ पहुंच चुके हैं। चढ़ा समझाओ इसे, ब्रिज के ऊपर से होते हुए धर्म एंड की तरफ का ये स्ट्रेच मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ की तरफ अभी देखिए कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है और यहाँ पर पटरी बिछाना बाकी है। और उतर के हम चलते हैं धर्म ब्रिज की तरफ बढ़ रहे हैं, और अगले नेक्स्ट व्लॉग में इस तरफ की अपडेट आपको पूरी मिलने वाली है। तो यहाँ पर क्या क्या है पूरी डिटेल होगी, आज यहीं रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।